मेरे मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, पर 50,000 रुपए में गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है। मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया है हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम। काहे का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते मांगते, मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना, तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जा उड़ाऊंगा, नहीं तुम्हें समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना। जब मेरा उम्र 26 साल का था तब मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा था, सैलरी अच्छा खासा आ रहा था और फैमिली की देखभाल अच्छे से कर रहा था। कुछ साल उस कंपनी में काम करने के बाद एक दिन अचानक से मुझे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मैं बहुत से कंपनियों में जॉब ढूंढा पर कुछ हुआ नहीं, मैं बर्बाद हो गया था। क्या करूं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने मन को शांत करने के लिए इस्कॉन चला गया, वहां मैंने भगवत गीता को पढ़ा और मेरे सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैं खुद का बिजनेस करने का मन बना लिया और जाग जाकर लोगों को मेरे साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया। मैंने लोगों को सिखाया कि कैसे आप भगवत गीता को यूज करके अपना जेब भर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इस देश में मेरे 1,000 से 1,00,000 और 1,00,000 से 1,00,000 तक फॉलोअर्स होने लगे और आज मैं एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस बना चुका हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विवेक कुंद्रा, फाउंडर एंड CEO ऑफ छोटा बिजनेस। मैं आज आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे RBC बनकर हमारे साथ जुड़कर महीने में 1 से 2 लाख कमा सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपका जूतिया कर रहा हूँ। December 11 संदीप महेश्वरी के चैनल में एक वीडियो अपलोड हुआ, जिस वीडियो में कुछ लोग एक ऑनलाइन फेक गुरु की फेक बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते हैं। उस वीडियो में किसी भी बिजनेस गुरु की नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कैसे उसने करोड़ों रुपए लोगों से लूटा है और कैसे वो भी इस खेल का हिस्सा थे, वो सारी चीजें शॉर्ट में बताते हैं। फिर कुछ घंटे के बाद संदीप जी कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं कि उनके टीम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, लेकिन हम इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर लोगों के साथ स्कैम हुआ है तो हम इस न्यूज को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस सोसाइटी को आप जैसे लोगों से बचाएंगे। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इस देश के जनता है। फिर मैं उनके कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो देखता हूँ तो लोग वहाँ पर विवेक कुंद्रा का नाम लिख रहे थे। फिर मैंने अपना कनेक्शन घुमाया और रिसर्च करके कुछ प्रूफ के साथ इस वीडियो को बनाने का ठान लिया। इसीलिए वीडियो डिलीट होने से पहले इस वीडियो को पूरा देखो, समझो, फिर चाहो तो डाउनलोड करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दो, ताकि आप और आपकी फैमिली ऐसे स्कैम से खुद को दूर रख सके। विवेक कुंद्रा की अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो उनके हिसाब से वो पहले मॉन्क थे और उनके गुरु से वो गीता का ज्ञान लिया और वो भी बिजनेस का। फिर वो सोचे कि वो उस ज्ञान का क्या करें, तो उनके गुरु ने बोला कि जाओ शिष्य जाओ, उसे पूरे दुनिया में फैला दो। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या कोई आदमी सिर्फ गीता पढ़कर व्यापारी बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गूगल पे अगर इनके ऊपर सर्च किया जाए तो असल में विवेक कुंद्रा ने BBA किया है सेंट जेवियर दिल्ली से और MBA किया है अमिटी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कोलंबो की OIUM यूनिवर्सिटी से PhD की फिलोसफी में। स्टार्टिंग के दिनों में विवेक कुंद्रा ने अपने मेहनत से कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का काम सिंपल था, वो दूसरे कंपनियों को कॉर्पोरेट और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, मतलब दूसरे कंपनी उन्हें हायर करती थी और वो वहां जाकर सेमिनार किया करते थे, जैसे वो आज अपने कंपनी के लिए क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे सेमिनार में क्या होता होगा? इन सब सेमिनार में बस काम करने वाले लोगों को इंस्पायर स्टोरी सुनाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है अपने काम को पैशन से करो, और कभी कभी मोटिवेशन देते देते अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है और उसको सेल किया जाता है, जैसे कि पहले MLM कंपनीज क्या करते थे। वो अपने सेमिनार में ऐसे सो कॉल्ड बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाकर लोगों को मोटिवेट किया करते थे, और फिर बाद में वो सेमिनार खत्म होने टाइम लोगों को बोला जाता था कि अगर आप भी ऐसे सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, महीने में 1 से 2 लाख कमाना चाहते हैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट खरीदो और फिर सभी 3-3 लोगों को जोड़ो और अपना पॉकेट भरते चलो। लेकिन कुंद्रा का स्टाइल थोड़ा अलग था, वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद किया करते थे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते थे, उनकी सारी बिजनेस को स्टडी करते थे, उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उन्हें सजेशन दिया करते थे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, जिसके चलते उनका ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और उन्हें लोग बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानने लगे। और यही चीज देखकर वो साल 2013 में यूट्यूब पे आ गए और अपना कुछ वीडियोज वहां पोस्ट करने लगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2016 में इंडिया में अंबानी ने जियो को लेकर आया।
जियो आते ही लोग इंटरनेट पे आ गए और वहाँ रहने भी लग गए, और ये चीज कुंद्रा ने बहुत अच्छे से नोटिस किया और यूट्यूब और फेसबुक पे एक्टिव होकर कंसिस्टेंटली वीडियोज अपलोड होते रहे। लेकिन उनको एक दिक्कत ये भी था कि उनके वीडियोज का रीच ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंग्लिश या ओरिजिन लैंग्वेज से ज्यादा हिंदी ऑडियंस है, इसीलिए उनके साथ कनेक्ट होने के लिए वो अपना कंटेंट का लैंग्वेज हिंदी में चेंज कर दिया, जिससे वो ये देखते हैं कि सेमिनार से ज्यादा पैसा और फैन बेस बनाने का मौका तो उन्हें यूट्यूब पे मिल रहा था, जिसके चलते वो यूट्यूब पर ज्यादा फोकस किए और ऐसे फोकस किए कि 2017 में ही वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए और अपना खुद का ब्रांड छोटा बिजनेस को लोगों के सामने खड़ा कर दिया। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक रहा, उनको इंटरनेट पे लोग जानने लगे थे, उनका अच्छा खासा इनकम भी हो रहा था और धीरे धीरे इनके वीडियोज में करोड़ों में व्यूज आने लगे। अब लोग उनके वीडियोस में एंगेज हो रहे थे, जिसे देखकर वो अपना कुछ कोर्सेस बनाकर बेचने लगे, जो कि काफी अफोर्डेबल हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुआ जब वो ये दावा करने लगे कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करो, आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है, आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे आप लेकर इंटरव्यू देकर जॉब या बिजनेस कर सकते हो। अभी मैं आपको पूछूंगा कि इस बात में किसी भी तरीके का लॉजिक दिख रहा है, मतलब उस सर्टिफिकेट में ऐसा क्या है, छोटा बिजनेस का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या है जो उसका सर्टिफिकेट लेकर आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर भरोसा किए, उनका सारा कोर्सेस खरीदने लगे। लेकिन बाद में लोगों को ये पता चलने लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये सारी चीजें तो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, जिसका बात ये भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब पे, उससे अच्छे 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 कोर्स है, उससे अच्छे अच्छे मैं तो कहूंगा। अभी आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ऐसे तो बहुत से लोग अपना कोर्सेज बेच रहे हैं जो कि पहले से यूट्यूब पे है, तो इसमें गलत क्या है? तो सुनो, ऑनलाइन कोर्स बेचना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो वो भी पैसा देकर और वादे के हिसाब से, आपको अगर उस प्रोडक्ट से उस तरह का रिटर्न ना मिले तो वो भी एक तरह का फ्रॉड ही होता है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये सुनो, अगर आप भीम खरीद कर लाते हो और उसमें 100 नींबू की शक्ति ना हो या उससे बर्तन सही से साफ ना हो तो वो भी एक तरह का फ्रॉड ही होगा। अब ये सारी चीजें तो हर किसी को पता नहीं होगा, जिससे लोग गुमराह होकर कोर्स खरीदने लगते हैं, जिससे देखकर कुंद्रा ने एक और बिजनेस मॉडल लोगों के सामने लाया, जिससे घर बैठे हर आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सब महीने में 1 से 2 लाख कमा सकते हैं, और उसका नाम था RBC। अब पैसा देखकर लोग उनके हेड ऑफिस में फोन करने लग गए और पूछने लगे कि ये RBC क्या है। तो उन्हें बताया जाता है कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट के नाम पर कोर्सेज दिए जाएंगे, जिससे आप दूसरों को बेच देंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा, और अगर जिसको बेचे थे वो अगर किसी और को बेच देगा तब भी आपको कमीशन मिलेगा, और जितने जितने आगे सेल होता रहेगा आपके जेब में पैसे आता रहेगा। ये RBC भी बिल्कुल MLM ही है, जैसे एक प्रोडक्ट किसी को बेचो फिर वो दूसरों को बेचेगा तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। अब MLM तो बैन हो गया है, लेकिन उसी MLM को ये लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम से बेच रहे हैं। जिनको डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है नहीं पता है, वो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहाँ प्रॉपर वे में समझाया गया है। बस डिफरेंस एक ही रह गया है कि पहले प्रोडक्ट बेचा जा रहा था और अब कोर्सेस बेचे जा रहे हैं, और ये चीज कोई नया नहीं है, पहले से ये सारी चीजें हो रही है। बहुत से लोगों ने इन सब के ऊपर वीडियोज भी बनाया था, लेकिन कुंद्रा की टीम से लीगल नोटिस आ जाता है तो कभी कभी उस वीडियो को यूट्यूब से उड़ा दिया जाता है, और खास इसी वजह से मैं विवेक कुंद्रा और छोटा बिजनेस का नाम इस तरह से ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे चीजें सुनाने वाला हूँ जो कि किसी और की वीडियो में नहीं मिलेगा। अब ये सब देखने के बाद आप बोलोगे कि अगर इतना ही स्कैम हुआ है तो लोग इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, अगर उनका पैसा लूटा गया है तो वो सामने भी तो आना चाहिए। और यही सेम सवाल संदीप जी ने भी पूछा था, लाखों में? नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने तो नहीं। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। क्या ये 100 लोग चाहते नहीं है कि उनको उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो इन लड़कों ने बोला कि हमने कुछ ऑनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जहां हम ऐसे RBC को रखें जिनसे पैसा लूटा गया है।
मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग से हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन गए थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता पर्सनली बात करके पता चलता किसी की सेल ही नहीं हो रही। इन सारी चीजों का कंफर्मेशन के लिए मेरे कुछ दोस्त से मैंने बात किया और ऐसे ग्रुप में घुसा जहां पर हर ग्रुप में 300 से 600 लोग थे जिनका पैसा लूटा गया था, जिसके बाद उनका चार्ज पढ़ने पर मुझे पता चला कि क्यों ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे। सुनो, जो भी उन सब ग्रुप में थे उनको कुंद्रा की टीम से कॉल आता था और उन्हें बोला जाता था कि आप उस ग्रुप से निकल जाओ, नहीं तो हम आपको लीगल नोटिस भेज देंगे। मानसी बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से, कैसे हैं? बढ़िया। तो मैंने आपको जो कॉल किया है ये व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग किया है। व्हाट्सएप एक ग्रुप है जो कि एक नेगेटिव ग्रुप है, ग्रुप आपका नंबर भी ऐड हो रखा है। मैं नहीं जान सकता हूँ तो ग्रुप आपने खुद से ज्वाइन किया है या आपको किसी ने ऐड किया उस ग्रुप में? नहीं जान सकते जी, नहीं जान सकते, मुझे नहीं बताना कुछ, आप अपना बताइए, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। अगर आप नहीं बताना चाहते तो केस आगे कैसे बढ़ेगा सर? बात करके सॉर्ट प्रॉब्लम हो सकती है सारी चीजें। क्या सॉर्ट आउट करेंगे बताइए आप? सर मुझे प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप ज्वाइन करने से आपको रिफंड मिल जाएगा, पॉसिबली नहीं है सर। ना मिले रिफंड मेरे को कौन सा, तुम मेरे क्या ले जाओगे बता, मेरे कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे या बहन? मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली पर 50,000 रुपए में। गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है, मुझे अपने पैसों की नहीं परवाह नहीं है, मुझे और लोगों को बचाना है बस। हाँ, समाज सेवा टाइप कर रहे हैं? समाज सेवा, बिल्कुल समाज सेवा। ठीक है, हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं सर, नहीं रिफंड चाहिए आपको। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, बड़ा बिजनेस, कौन बात कर रहे हैं? रोहित बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस। हाँ बताओ सर, बताइए। मैंने आपको जो कॉल किया है ये ग्रुप के रिगार्डिंग किया है जो कि व्हाट्सएप का एक्टिवेट है। बड़ा बिजनेस स्कैम करते हैं, आप सभी नंबर ऐड। व्हाट्सएप स्कैम में रहूंगा, बिजनेस आईपीसी विक्टिम्स में रहूंगा, फेसबुक पे मैंने पेज बना रखे है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ में, और YouTube में डाल रखा उनकी पत्नी का वीडियो। तुम्हारा जो करना हो कर लेना, मेरा पैसा नहीं दोगा तब तक मैं ऐसी की तैसी करता रहूंगा तुम लोगों की। और बोलो, मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हराम खोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहां पे, मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम। काय का झूठ बोलू मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते मांगते, मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना, तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जा उड़ा दूंगा, नहीं तुम्हें समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना, और आज के बाद ये ग्रुप से संबंधित कॉल मत करना मेरे को, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बात की ऐसी की तैसी, बात नहीं करना मुझे, रिफंड में बात करो ओनली। मेरे को चाहिए, मिस कमेंटमेंट किया, धोखेबाज है तुम्हारी कंपनी, ये मैं चैलेंज कर दूंगा, मैं पूरे न्यूज में निकाल दूंगा इसको, अभी मैंने एमपी में निकाला, अभी राजस्थान में भी निकालूंगा मैं, और टीवी पे भी दूंगा इसको मैं, बोल देना तुम्हारा उस विवेक बिंद्रा से। ग्रुप बना है, एक दो ग्रुप बने हैं जिनके बड़ा बिजनेस स्कैम नाम से, जिसमें आपका नंबर भी ऐड हो रखा है, जहाँ पे बड़ा बिजनेस को डिफेम किया जा रहा है, अभी चीज को गाइड किया जा रहा है। तो मुझे जानना था वो ग्रुप आपने खुद से ज्वाइन किया है या आपको उसमें किसी ने ऐड किया है? नहीं नहीं, खुद से ज्वाइन किया है। मैं उसका रीजन जान सकता हूँ ग्रुप ज्वाइन करने का? मुझे खुद जान हो कि आगे की ग्रुप मैंने खुद बनाया है। ठीक है, मैं रीजन जान सकता हूँ सर उसका? रीजन है कि मेरा पैसा रिफंड, मेरा पैसा रिफंड के लिए 1 महीना हो गया बोलते बोलते, कुछ होता नहीं है। 1 महीना का ऊपर हो गया, आपका जो मैनेजर है उसको कभी का बात किया हूँ, वो आज दिखा रहे कल बोल रहे कल परसों ऐसे बोल के 1 महीना हो गया। देखिए मैं आपको समझा सकता हूँ, चीजें दिखा सकता हूँ, रेस्ट आपके ऊपर होगा। नहीं, बाकी आपके पास तो नोटिस आ ही गया होगा सर। कौन सा नोटिस?
आप उसका रिवर्ट दे दीजिएगा। जो लीगल नोटिस जाना है वो आपके पास। लीगल नोटिस मतलब मैं पैसा दूं, मेरे को लीगल नोटिस, ऐसा दुनिया चल रहा है ना। पैसा मेरा फंसा हुआ है, पैसा ये ना देखिए, पैसा मेरा फंसा हुआ है, मेरा लीगल नोटिस दिखा रहे हैं। सुनिए सर मेरी बात। और इस लीगल नोटिस में लिखा हुआ होता है कि इस आदमी ने हमारे कंपनी और कुंद्रा के नाम पे गलत चीजें बोल रखा है, जिससे उनका बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं। और इस डैमेज की भरपाई करने के लिए आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और ऐसे नोटिस देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाएगा। एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने जिंदगी में इतना अमाउंट देखा नहीं होगा, वो इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करेगा। जिसके चलते लोग डर कर ऐसे ग्रुप से लीक हो जाते हैं और इनके खिलाफ बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करवा दिया जाता है। जैसे संदीप जी के टीम के ऊपर और साहिल खन्ना के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। देखो अब इनका पैसा उन्हें रिटर्न मिलेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आप ऐसे गुरु और कोर्सेज से दूरी बनाए रखें। जब तक इन जैसे गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री में कुछ सिखा रहे हैं तो आप उनसे सीखो, लेकिन ऑनलाइन कोर्स खरीदते वक्त थोड़ा सतर्क रहो। देखो ऑनलाइन कोर्स सभी बेचते हैं, इसमें गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें जल्दी अमीर बना दूंगा, ये कोर्स ले लो तुम्हारा बिजनेस करोड़ों में पहुंच जाएगा, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ सपना बेच रहे होते हैं। आपको ये लोग जल्दी अमीर बनाएंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, पर आपको ऐसे कोर्सेज बेचकर ये लोग खुद बहुत जल्दी अमीर बन रहे हैं। इतना समझ जाओ, कोई तुम्हारे लिए नहीं सोच रहा, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा साधु संत हो, है तो वो इंसान ही, उसके अंदर भी लालच होगा। ये कलयुग है, थोड़ा सोच समझकर किसी के ऊपर भरोसा करो। किसी के पास भीड़ है या कोई फेमस है तो उसकी बातों को आंखें बंद करके मत अपनाओ। तुम्हारे पास भी दिमाग है, उसे यूज करो, तभी तुम्हें हर एक चीज क्लियरली दिखाई देगा। सपनों के पीछे भागो, सपना बेचने वाले के पीछे नहीं। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।